मूवी आ रहा है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, हमारी एक मूवी आ रही है जो मूवी का नाम है माटी है हमर जान। इस मूवी में आप कैसे जाने हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इस बताना तो चाहते हैं। एक्चुअली मैं मेरा शौक तो कोई बचपन से नहीं था। मैं जब अपने 12th क्लास का होमवर्क कर रहा था, गांव में होता है ना एक्चुअली कि गांव घर बाड़ी वगैरह होता है, तो वहाँ बैठ के कुछ होमवर्क कर रहा था, तो मुझे लगा अचानक मुझे नींद आई कि मैं सो गया। सोने के बाद मुझे सपना आया कि मैं सपना देखूँ कि आदमी कुछ करने से कुछ करते हैं, सही तो सही, इसलिए तब मुझे भी लगा मैं भी कुछ करूँ। तो उस दिन फर्स्ट टाइम मैंने एक सॉन्ग लिखा बहुत था, बढ़िया, और बहुत बढ़िया। वो सॉन्ग गाने के बाद मुझे भी जज्बा लगा कि हम भी कोई फिल्म लाइन मूवी लाइन में काम करें। तो हमारे सुनील सवरिया जी हैं, हमारे रुपेश भैया जी हैं, जरा आएंगे इधर साइड में। ये रुपेश भैया जी हैं हमारे बहुत अच्छे एक्टर्स एंड गायक हैं, इनका साथ मुझे मिला और हमारे साहिल भाई जी का साथ मिला, और इन लोग के साथ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मुझे भी इस मूवी में काम करने का मौका मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज गांव का छोटे मोटे गायक और हमारे रुपेश भैया के साथ मिलते हैं, मुझे भी कुछ काम करने को मिला है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग दर्शक लोग से कि मुझे ऐसे प्यार आशीर्वाद दुआ देते रहिए, क्यों आगे नहीं भी बढ़ूँ। करेंगे, और हमारे भाई हैं अनिल जी, वो भी एक्टर्स हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं जो कि कैमरा रिकवरी करते हैं, और तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आगे क्या कहूँ, हमारे ये भाई से मिलिए। अच्छा अच्छा ये मूवी का प्रणाम। शूट कहाँ चल रहा भाई? अभी अच्छा हमारी मूवी का शूट सोनपुर पलहेजा घाट में चल रही है, तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत सारा अच्छा चॉइस आने की, बहुत चॉइस किए हुए, मतलब सीन वगैरह हैं जो होता है मूवी इसका ये लाइन मूवी में। का डायरेक्टर कौन सा है, हाँ, उसका हमारे नाम? मूवी का निर्माता जी हैं रोशन रसीला जी, और डायरेक्टर आर्यन राज हैं, अच्छा बहुत अच्छे डायरेक्टर। वो पहले मूवी कर चुके हैं रितेश पांडे का, जो मूवी का नाम है बिहार एक्सप्रेस, तो उसमें बड़े पर्दे पे हमारे लासारी भैया भी दिखेंगे, और इस मूवी का मेन लीड कर रहे हैं लासारी भैया, और सेकेंड हैं अजय जी, और थर्ड लीड सुनील सवरिया जी हैं। तो हमारे भाई साहब विलन बहुत अच्छे किरदार निभाए, और अच्छा हमारे भाई साहब विलन है, मुझे भी कुछ रोल मिला है कॉमेडी वगैरह का, और हीरो का दोस्त वगैरह, ये मुझे बहुत भी बढ़िया, खुशी हो बहुत रही है। तो आगे आप लोग से ही विनती करूंगा, हमारे भाई विलन जी को आशीर्वाद प्यार दुला बढ़िया। अच्छा दीजिएगा। रुपेश जी, आप इस मूवी में कब से काम कर रहे हैं, कैसे इसका सूचना चाहते हैं? देखिए भाई, मैं बचपन से ही मुझे एक्टर बनने का शौक था। ठीक है, मैं जब बड़ा हुआ तो गांव में छिछौरापन बहुत ज़्यादा करता था, सही बात है। तो भैया ने मुझे, मेरे बड़े भाई ने उसने मुझे हॉस्टल में डाला। हॉस्टल में डाला तो मैंने हॉस्टल जाते ही मेरे अंदर में मेरी बुराइयां सारी निकल गई और मैं एक अच्छे इंसान बनने की कटिंग कर प्रवृत्ति दिया, मेरे अंदर आ गई। घनी ठीक रात है, दिया हमें। तो मैंने हॉस्टल में ही ऐसे सब करने का, डायलॉग बोलने का, ये सही सब है, सही। सीखा। वहाँ से मैं फिर स्कूल आया, वहाँ पे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि आप अगर मूवी लाइन में जाते हो या पिक्चर उक्चर बनाते हो या सिंगिंग करते हो तो आप बहुत ऊपर तक जाओगे। तो इसी कारण से मेरे परिवार के लोग भी मेरे सपोर्ट किए और मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा भैया, मैं आपका ये सुनना चाहता हूँ कि आप अभी आपका शूट कहाँ चलता है? मेरा जितने शूट अभी पहला जा घाट कस्मर चौक ये सोनपुर में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं आर्यन राज जी और निर्माता ये निर्देशक हैं रोशन रसीला जी, जिसमें कि मुझे एक मंत्री के बेटा का किरदार निभाने को मिला है, मैं ये रोल कर रहा हूँ। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को मेरी एक्टिंग अच्छी लगी हो और लगे जो मेरी मूवी आने वाली है, और आप लोग ऐसे प्यार दुलार बना रखे ताकि मैं और ऊपर जाऊँ, आप लोगों के बीच अच्छी अच्छी एक्शन भरी मूवी लाऊं और आप लोग को ऐसे ही प्यार दुलार पाता रहूं और धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की कोशिश करूं। मैं नमस्कार, उसमें ये अच्छा जिसके साथ ये सही। साहिद दीवाना जी हैं, ये भी सिंगर हैं जो कि बहुत अच्छे गाते हैं और लिखते भी हैं, ये मेरे छोटे भाई के समान हैं। और ये अनिल जी जिनके, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे। अच्छा अनिल जी, आप इतना तक के आए हैं तो कितना एल्बम आप बना चुके हैं? आप किस सूचना चाहते हैं कि फिलहाल तो भैया? मेरे पास अभी एक भी एल्बम नहीं बनाया है, लेकिन ये मतलब पहला बार है जो हम भोजपुरी लाइन में और कदम रखे हैं और सोचते हैं कुछ ही आगे बढ़ने के लिए चाह रहे हैं, और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, बस ये आप लोग का प्यार दुलार पाने के लिए इतना दूर आए धीरे धीरे हैं। आगे भी बढ़िए। ठीक ना, तो आप लोग प्यार दुलार दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, और हमारे इधर भैया जी हैं और सारे लोग हैं, मतलब पूरा टीम का लोग हैं, उतना तो नाम मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है सबको प्रणाम करते हैं, और इसलिए कि हम लोग का जो भी वीडियो जा रहा है उसको मतलब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उसको ये आगे बढ़ाने के लिए मतलब कुछ कीजिए। इसके बाद फिर हम लोग का जो भी मूवी शूट हो रहा है माटी है हमार जान, ये सारे भैया के साथ हम काम कर रहे हैं अभी फिलहाल, और इसे तो आगे कुछ नहीं कहते हैं, और चलिए ठीक है। बस बस बस।